प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रतियोगिता का विषय है मौन स्वीकृति का पर्याय है और आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिसेस आर्या, मिसेस क्रिस्पिन, मिस मकफालेंट और मिसेस पुंडीर। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार से हैं, प्रत्येक सदन से दो प्रतिभागी एक पक्ष तथा एक विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक प्रतिभागी को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट पर पहली घंटी बजाई जाएगी तथा 5 मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वह वक्ता द्वारा कहे वक्तव्य पर आधारित प्रश्न पूछें और स्पष्ट व संक्षिप्त प्रश्न पूछें। अब मैं सर्वप्रथम मंच पर विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूंगी कौंडिन्य सदन से श्रेयांश कनोडिया को। विषय के पक्ष में शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझते हो। सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा शुभध्यान। आज मैं श्रेयांश कनोडिया विषय के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक मछली जाल में तभी फंस जाती है जब वह चारे के लिए अपना मुंह खोलती है। कबीरदास जी ने कहा था, एक नासमझ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। अरे, मौन का तो दूसरा नाम ही संतुष्टि होता है। यदि हम अपने सम्मानित शिक्षकों के साथ बहस के बीच में हो तो इसमें अगर हम मौन रहकर उनके साथ बहस करें तो इसका मतलब यह होगा कि हम उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। यदि हम उनसे टू तड़ाक करें या उनका अपमान करें तो यह उनका अपमान करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारे विद्यालय में किसी भी अध्यापक या अध्यापिका का अपमान करना सिखाया गया है। मौन यह शब्द अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। महान आविष्कारक और कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने यह कहा था कि कुछ भी अधिकार को इतना मजबूत नहीं कर सकता है जितना कि मौन। नेता भी जानते हैं कि मौन का उपयोग अपने लिए बोलने के लिए और रणनीति के रूप में नेतागिरी करने के लिए अवसर के रूप में कैसे किया जाता है। मौन रहने से दिमाग मजबूत होता है क्योंकि उन्हें प्रतिबिंबित करने में समय लगता है। सबसे अच्छी चीज जो आप यह कर सकते हैं कि अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दें और इसे अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए थोड़ा वक्त दें। मौन का अभ्यास करने से सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है और सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाया जा सकता है। यहाँ विचार यह है कि यदि आप असहमत नहीं है तो आप स्वतः सहमत हो जाते हैं। चुप रहना अनुमति देने के समान है। जब आप सलाह देना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं लेकिन आप अपने आप को संयमित कर लें, इस तरह का मौन यह दर्शाता है कि आप वास्तव में उनकी बात नहीं सुन रहे हैं किंतु वह जो कह रहे हैं उसके प्रति अपना प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मौन स्वीकार करके आप यह 5 मुख्य चीजों का विशेष ध्यान रख रहे हैं। पहला, आप विशेष रूप से अच्छे श्रोता होते हैं। दूसरा, आप स्थितियों और लोगों के अच्छे पर्यवेक्षक होते हैं। तीसरा, आप विनम्र भाव के कहलाए जाते हैं। चौथा, आप एक विचारशील व्यक्ति माने जाते हैं। और पांचवा, यदि आप शांत रहते हैं और चीजों को स्वीकार करते हैं तो आप बुद्धिमान और समझदार भी कहलाए जाते हैं। मैं व्यापार का उदाहरण देकर आप सभी को यह बात बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास एक भोजनालय है जो एक प्रशंसित व्यंजन बनाता है। आप अपने पकवान आपूर्ति कारक के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, वितरण कार्यक्रम और कीमत पर सहमत हो जाते हैं और यह वर्ष आपके आपूर्ति कारक को दुर्भाग्य से कोई बीमारी हो जाती है और उस विशेष पकवान की कीमत बढ़ जाती है। आपका आपूर्ति कारक आपके व्यंजन को नई कीमत बताते हुए एक पत्र लिखता है और आप किसी भी तरह से जवाब नहीं देते हैं और मौन रह लेते हैं तो इस समय पर आपको शायद यही उम्मीद करनी चाहिए कि वह पकवान का लदान
हमेशा की तरह जारी रहेगा, क्योंकि आपको मौन रहना या व्यवसाय व्यवस्था की जारी रखना चाहते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुंह खोलकर सभी शंकाओं को दूर करने से अच्छा है कि मौन रहकर बातों को टाल दिया जाए, और मौन सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। पाल हाउस, आपने अपने वाद विवाद में कहा कि चुप रहना अनुमति देने के समान है, और दूसरी तरफ आपने एक शिक्षक से जब वार्तालाप हो रहा है उसका भी उदाहरण दिया और कहा कि अगर शिक्षक से हमारी बहस हो रही है और अगर हम चुप हो जाएं तो उनका हम सम्मान कर रहे हैं, पर आपको यह नहीं लगता कि अगर किसी छात्र की गलती नहीं है तो उसको शिक्षक से बहस नहीं करनी चाहिए पर उसको अपनी बात रखकर समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है? आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो शिक्षक का मैंने जो आपको उदाहरण दिया, इसका यह मतलब था कि कैसे हम अपने बड़ों की आदर कर सकते हैं मौन रखकर, और वैसे भी मौन अगर आप रखते हैं तो आपको एक विनम्रशील व्यक्ति माने जाते हैं, और आप अगर मौन हैं तो आप चीजों को समझते हैं, आप बुद्धिमान कहलाए जाते हैं। धन्यवाद। आपने अपनी वाद विवाद में कहा कि बुद्धिमान लोग वो लोग कहलाते हैं जो मौन रहते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत श्लोकों में यह कहा गया है कि मौन विद्वानों की सभा में सबसे बड़ी मूर्ता दिखाता है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं आपका आपके प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से देना चाहूंगा। अगर आप महाभारत के बारे में जानते हो तो उसमें शकुनी मामा जी अगर उस दिन वहां मौन रहे होते तो शायद हमारी हमारी पूरी हिस्ट्री में यह महाभारत का किस्सा ही नहीं होता, वो लड़ाई ही नहीं हुई होती। धन्यवाद। दिव्यांशी धैया, विषय के विपक्ष में। कहा था, अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह हाँ है। कभी कभी स्थिति यह भी हो सकती है कि मैं बोलने की दशा में नहीं हूं। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिव्यांशी धैया आज के वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। कुछ लोग अपनी आवाज इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनके मन में डर होता है कि वह जिस चीज के आज साक्षी है कल वह उनके साथ भी हो सकती है। मैं समझती हूँ कि मौन स्वीकृति का पर्याय ना तो कभी था और ना ही कभी होगा, और यह मैं आप सभी को और विस्तार से समझाना चाहूंगी। यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए और राहगीर हस्तक्षेप नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं कि वह परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं। यह सिर्फ उसी चीज का सामना करने का डर हो सकता है जो उन्हें हस्तक्षेप करने से रोक रहा है। जब किसी इंसान का यौन शोषण किया जाता है तो क्या उसकी चुप्पी सहमति में तब्दील हो जाती है? अब मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कृत्य के लिए सहमत नहीं है तो वह उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? और इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि यह केवल उनके सदमे की स्थिति है जो उन्हें अपना इनकार प्रदर्शित करने से रोक रही है। भारतीय कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि मौन स्वीकृति के बराबर नहीं हो सकता, और स्वीकृति स्वयं व्यक्ति द्वारा बोल कर ही दी जा सकती है। लेकिन कोई भी वास्तव में इस कानून को इतनी महत्वता नहीं देता। इसी वजह से बलात्कार भारत में चौथा सबसे आम अपराध बन चुका है। सूत्रों के अनुसार पूरे भारत में प्रतिदिन औसतन 86 बलात्कार के मामले दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन इनमें से कितने मामले हैं जो आज तक कभी सामने नहीं आए? इसका कारण उन व्यक्तियों के मौन को उनकी स्वीकृति मान लिया जाता है।
ऐसे ही ग्रामीण इलाकों में शादी के लिए लड़की की सहमति के स्थान पर उसकी चुप्पी को हाँ समझ लिया जाता है और यह बगैर सहमति के कराए हुए विवाह वैवाहिक बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामले बन जाते हैं। कथनी की तुलना में कर्मी ज्यादा असरदार होती है या कार्य शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है कि किसी को अपनी बात साबित करने के लिए हमेशा बोलने की जरूरत नहीं होती, वह अपने कार्यों से बात को साबित कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी यहाँ सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वह केवल भव्य भाषण देने वालों में से नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी बात पर हमेशा कायम रहे थे। गांधी जी के अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे योगदानों ने भारतीय स्वतंत्रता में बड़ा प्रभाव डाला है। भारतीय सैनिक यहाँ पर एक और उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कई राजनेताओं के विपरीत जो केवल भाषण देते हैं, यह सैनिक निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और हर दिन अपनी देश की सुरक्षा के लिए जान जोखिम में डालते हैं। इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि हम अपने कार्यों से भी अपनी बात को साबित कर सकते हैं। अपने वाद विवाद के अंत में मैं कहना चाहूंगी कि स्वीकृति का अर्थ है स्वीकार करना या स्वीकार किए जाने का कार्य। इस परिभाषा में मौन का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इससे पता चलता है कि मौन और स्वीकृति दो अलग शब्द हैं जो कभी भी पर्याय नहीं हो सकते। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में डर से शांति वाले मौन का उदाहरण दिया, परंतु वह मौन तो आपके अंदर तक ही सीमित है और उसका स्वीकृति व अस्वीकृति से तो कोई संबंध नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? आपने अपने वक्तव्य में डर से शांति वाले मौन का उदाहरण दिया, परंतु वह मौन तो आपके अंदर तक ही सीमित है और उसका स्वीकृति व अस्वीकृति से तो कोई संबंध नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने अपने वाद विवाद में कहा है कि उन्हें डर होता है कि वह जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह उनके साथ भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी कि वह मनी मन में परिस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कभी कभी हमें मौन रहकर बात को स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि बात बढ़े ना? प्रश्न के लिए धन्यवाद। अब ये तो बात पर बात जान के ही हम बता सकते हैं कि हमें चुप रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी विषय बड़ा हो सकता है और वहाँ पे हमें अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ती है। फॉय सदन से याशिका गुप्ता विषय के पक्ष में। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्र, आज के वाद विवाद का विषय है मौन स्वीकृति का पर्याय है और मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। समय शेष है नहीं पाप का अपवादी भागी केवल व्याद, जो तटस्थ है जो मौन है समय लिखेगा उनके भी अपराध। यह पंक्तियां श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कविता से ली गई है, जिसका अर्थ हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यदि आप अपने सामने कोई जुर्म होता हुआ देख मौन है और उस जुर्म होते हुए करने वाले के आप उसके समान अपराधी हैं, मतलब आपका मौन उस जुर्म होने को स्वीकृति दे रहा है। इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस चुप रहना एक प्रकार से स्वीकृति देना ही है। अब कल्पना कीजिए कि पुलिस एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुमने चोरी की है।
अगर वह व्यक्ति चुप रहता है तो उसकी चुप्पी उसका मौन है और उसे सजा दिलाने के लिए काफी है। अब मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि हम किसी के सम्मान की वजह से भी चुप रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके सम्मान के कारण के वजह से चुप रहकर भी हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे हम छात्रों को प्रातः काल में दौड़ने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो इससे बचने के लिए बहाना दे देते हैं। और अब जब हमारे पी शिक्षक हमें बुलाते हैं और पूछते हैं कि वह दौड़ने के लिए क्यों नहीं आए, तब वे चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि वे गलत थे और वह चुप रहकर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। आप सभी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव से परिचित हैं, तथा वहाँ पर यदि आपके बारे में कोई कुछ लिख देता है और आप उस बात का खंडन नहीं करते हैं, तो यह सीधी सी बात है कि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। और हमें सिखाया गया है कि अपने हक से लड़ो, ना कि चुप बैठो। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि चुप रहने को काफ़ी लोग सहमति का रूप दे देते हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। ऐसा अधिकार इसलिए है कि हम अपने विचार खुले आम सबके सामने रखें, ना कि चुप बैठे और सब कुछ सहते रहें। आप इसको कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि सरकार में विपक्ष यदि संसद भवन में जब कोई बिल पास होता है तो वहां बैठे विपक्ष के लोग चुप रहे या अनुपस्थित रहे तो वह उनकी स्वीकृति ही समझा जाएगा। अब मान लीजिए कि एक अपराधी को बेगुनाह साबित करने के लिए एक वकील था, और वह वकील अगर अदालत में जाके चुप हो तो आप इसे क्या समझेंगे? यह समझेंगे कि वह गलत था और वह बेगुनाह साबित नहीं हो पाया। अगर जज साहब उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या आपको फांसी पर चढ़ा देनी चाहिए, यदि वह व्यक्ति चुप हो तो जज साहब बिना घबराहट के बोल सकता है कि ठीक है, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति मौन हो तो इसका अर्थ यही है कि वह उस परिस्थिति को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि यदि वह उस परिस्थिति को अस्वीकार करता है तब वह मौन ही रहता। धन्यवाद। कभी कभी मौन रहने की वजह से इंसान को नुकसान का सामना करना पड़ता है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि उस व्यक्ति को उस समय नुकसान का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि ये भी हो सकता है कि वह भविष्य की योजना बनाए रखा हो। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि अगर आपके सामने कोई कुछ गलत काम कर रहा है और आप उसे चुप होकर बस देख रहे हैं तो आप भी उन्हीं की तरह गलत हैं? प्रश्न के लिए धन्यवाद। अगर हमारे सामने कुछ हो रहा हो और हम मौन हो तो ये भी हो सकता है कि हम अंदर से उनसे डर रहे हो, इसलिए हमें वो चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। धन्यवाद याशिका। अब फॉर सदन से हितांश गुप्ता विषय के विपक्ष में। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि हमारा जीवन उस समय समाप्त हो जाता है जब महत्वपूर्ण बातों की सत्यता जानकर भी हम मौन हो जाते हैं। नमस्कार आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायक मंडल, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी, मैं हितांश गुप्ता फॉय सदन से आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का विषय सरल शब्दों में यह कहता है कि अगर किसी परिस्थिति में हम मौन हैं तो इसका यह अर्थ है कि उस विषय में हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मौन कायरता दिखाता है। अगर कोई अफसर हमारी स्वीकृति नहीं समझता तो वह पूरी सच्चाई बोलता है और उसके अनुसार कार्य करवाता है। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब उसके खिलाफ आवाज़ उठाना अनिवार्य होता है।
मौन रहकर उस समय हम उससे भी बड़ा अधर्म करते हैं। आज अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहा है। अफगानिस्तान की महिलाओं ने विवश होकर अपना मौन तोड़ा है और इस संदर्भ में खिलाफ करारा जवाब दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तालिबान सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। उनका मौन इस बात की स्वीकृति कभी प्रदान नहीं कर सकता कि जिस शिक्षा प्रणाली पर हम सबका अधिकार है उसे उनको क्यों वंचित किया जा रहा है। अधर्म के खिलाफ हमें हमेशा मौन कभी नहीं धारण करना चाहिए। इसका उदाहरण मैं द्रौपदी से आपको समझाना चाहूँगा। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वह मौन ना रह पाई। वह मौन इसलिए ना रह पाई क्योंकि उसका मौन इस बात की स्वीकृति कभी प्रदान नहीं कर सकता था कि क्यों, क्या अपराध था उसका जिसके कारण उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। द्रौपदी ने मौन भंग करके अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी का साथ दिया और कौरवों का सर्वनाश किया। कभी कभी हमारे माता पिता तथा शिक्षकगण हम पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं बिना हमारी गलती जाने। ऐसे समय में हमें मौन धारण करना पड़ता है अपितु वह स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम गलत हैं, हमें बस उस समय मौन धारण करना पड़ता है। विपक्षी साथियों से यह पूछना चाहूँगा कि क्या हमारा उस समय मौन धारण करना इस बात को स्वीकारता है कि हमने गलती करी है? जी नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता इसका यह अर्थ थोड़ी ना है कि वो हमारा गुलाम हो चुका है। प्रतिपक्षी साथियों का तो यह मानना है कि मौन स्वीकृति का पर्याय है। इसका तो यह अर्थ है कि उस व्यक्ति को विचार करने का भी हक नहीं है। विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा था कि अगर कीचड़ पर पत्थर मारोगे तो कीचड़ हम पर जरूर गिरेगा। मूर्खों के साथ बहस करना सबसे बड़ा अपराध है। आज के समय में उस समय मौन रहना सहमति नहीं बल्कि हमारी समझदारी दिखाता है। संस्कृत श्लोकों में भी कहा गया है कि मौन विद्वानों की सभा में मूर्खता दर्शाता है। वह स्वीकृति प्रदान नहीं करता अपितु मूर्खों का आभूषण होता है। अगर हम किसी विषय को लेकर पूर्ण रूप से सहमत हैं तो हम उस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त करेंगे। हम मौन रहकर यह दिखाते हैं कि हम उस विषय से पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हैं। अन्य मैं यह पूछना चाहूँगा कि आज जब मैं अपने विचारों से व्यर्थ कर रहा हूँ तब आप सब भी तो मौन हैं। इसका यह अर्थ थोड़ी ना है कि आप सब मेरे विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हैं। इसीलिए मौन स्वीकृति का पर्याय कभी नहीं हो सकता। हम यह कभी नहीं मान सकते कि अगर हम मौन हैं तो हमने उस चीज़ की स्वीकृति दे दी है। धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि जब भी कोई अधर्म होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, पर आपको नहीं लगता कि अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का समय भी सही होना चाहिए? क्योंकि अगर हम उस समय कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय अगर हम मौन धारण कर लें तो वो समस्या और उग्र रूप धारण नहीं करेगी। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। यह सही है कि अगर कोई अधर्म कर रहा है तो हमें कुछ क्षण के लिए मौन धारण कर लेना चाहिए क्योंकि मौन धारण करना हमारे धैर्य को दर्शाता है। अगर हमारा जब हम धैर्य से उस चीज़ पे मनन करेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि वो बात सही है कि नहीं, और अगर वह बात गलत है तो हमें उसी समय उस अधर्म के खिलाफ बोलना चाहिए क्योंकि अगर हम उस अधर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वह सबसे बड़ा अधर्म कहलाएगा। धन्यवाद। आपने अपनी वाद विवाद में यह कहा कि मौन एक जुर्म है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने अध्यापकों या अपने बड़ों से बहस के बीच में अगर आप उन्हें उल्टा जवाब देते हैं तो आप ऐसा करके उनका अपमान कर रहे हैं, और जो कि और भी बड़ा जुर्म है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी वाद विवाद में यह भी कहा कि अगर जब अध्यापक हमें कुछ कह रहे हैं और हमारी गलती नहीं है तब हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। उचित समय देखकर ही हमें उनसे कहना चाहिए कि उस कार्य में हमारी कोई गलती नहीं है। वह हमारी बात अवश्य मानेंगे। इससे हमारी गलती के लिए हमने स्वीकृति भी नहीं ली है और वह समझ भी पाएंगे कि हमारी उस विषय में कोई गलती नहीं थी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सभागार में बैठे सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगी कि वो सीधे बैठें और सोए ना। धन्यवाद। अब पाल सदन से हिमांशी कठैत विषय के पक्ष में।
माननीय सभापति महोदया, निर्णायगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्र, मैं आज सदन में प्रस्तावित विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदया, आज के विषय का अर्थ है कि यदि आप किसी विषय से असहमत हैं परंतु मौन है, तो आपका मौन आपको उस विषय में सहमत ही माना जाता है, क्योंकि आवाज ना उठाने का मतलब है कि आप उस विषय से सहमत हैं। प्राचीन काल से ही मौन को स्वीकृति ही माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण के समय सभा में उपस्थित धृतराष्ट्र और भीष्म चुपचाप अन्याय देखते रहे और अन्याय करने वालों को इसमें उनकी स्वीकृति ही नजर आई और एक घोर अपराध को जन्म दिया गया। महोदया, यदि किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में कोई गुरु या माता पिता बच्चों को आदेश देते हैं और वह उस विषय से सहमत ना होते हुए भी बच्चा मात्र सम्मान को दृष्टि में रखते हुए अपने बड़ों को उत्तर नहीं देता, तो वह उनकी स्वीकृति मान ली जाती है। भारत में ऐसे कई विवाह होते हैं जहां लड़का या लड़की असहमत होने के बावजूद मौन रहते हैं और उनकी उस मौन को हाँ मान लिया जाता है। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक भारत पर राज किया। अपनी आज़ादी का को प्राप्त करने का होश हमें जब तक नहीं आया, तब तक अंग्रेज यही समझते रहे कि हमारा मौन उनको अत्याचार करने की स्वीकृति दे रहा है। महोदया, यदि किसी कक्षा में मुट्ठी भर विद्यार्थी अनुशासन को तोड़ते हैं और उनके डर से बाकी उनके द्वारा किए गए कार्यों को अध्यापक तक नहीं पहुंचाते, यानी कि मौन रहते हैं, तो एक तरह से वह उनके कार्यों को उचित ठहराने की स्वीकृति ही दे रहे हैं। महामना दलाई लामा जी का मानना है कि मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है, परंतु मेरा मानना यह है कि यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी गलत बात पर चुप रहना, किसी निर्णय को लेते समय चुप रहना, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर चुप रहना, बड़ों के आगे कैसा बोला जाए यह सोचकर चुप रहना, यह सब कारण है जहां आपकी चुप्पी को, आपके मौन को आपकी स्वीकृति मान लिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। महोदया, मेरा मानना है कि कई कई स्थितियों में मौन रहना फायदेमंद भी होता है। जैसे मौन बड़ी बड़ी लड़ाइयों को होने से रोकता है, शांति की स्थापना करता है और मन को संतुष्टि देता है। किसी ने कहा भी है कि एक बेवकूफ अपने भाषण से जाना जाता है और समझदार अपने मौन से, परंतु उस समझदार का मौन क्या वास्तव में किसी विषय को स्वीकृति दे रहा है या नहीं, यही जाने बगैर हम मान लेते हैं कि वह चुप रहने वाला व्यक्ति हमारी बात से सहमत है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सदियों से मौन को हाँ माना जाता है, सदियों से मौन को हाँ माना जाता है, आवाज उठा ली कोई तो मौन कहाँ रह जाता है। यूं ही नहीं कहा किसी ने कि स्वीकृति को, मौन को स्वीकृति का पर्याय माना जाता है, मौन को स्वीकृति का पर्याय माना जाता है। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि अगर हम हर बार मौन रहते हैं तो हम हमेशा चुप कर दिए जाएंगे और लोग सोचेंगे कि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते? मैंने अपने वक्तव्य में यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने अपने लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं या आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी बात की आप उस बात को स्वीकृति ही दे रहे हैं। अगर आप आज अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप तो जो व्यक्ति को आपको जवाब देना है वह नहीं जान पाएगा कि आप उस बात से सहमत हैं या असहमत हैं या सत्य बोल रहे हैं या गलत मान रहे हैं। उनके लिए वह आपकी स्वीकृति ही है। धन्यवाद। आपने अपनी वाद विवाद में कहा कि अगर कोई बात सत्य है तो हम मौन रहते हैं। आपका मानना यह नहीं है कि अगर उस बात में हमारी पूर्ण रूप से स्वीकृति है तो हम अपने विचार उस पर जरूर व्यक्त करेंगे, ना कि मौन रहेंगे? मैंने अपने वक्तव्य में यह साफ कहा है कि हम, यह उनमें से एक कारण है जहां हम
सोचते हैं कि हम सच जानते हैं परंतु हम मौन रह जाते हैं। आप मौन रह रहे हैं, आपके सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि आप सत्य जानते हैं या नहीं। जब तक आप अपने वक्तव्य को नहीं बताते हैं, अपने उत्तर को नहीं बताते हैं, तब तक हर किसी की दृष्टि में आप उनके वाक्यों को स्वीकृति ही दे रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशी। अपार सदन से अमृतेश सिंह विषय के विपक्ष में। हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के विपक्ष में अपने विचार इसलिए व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि मौन को स्वीकृति का पर्याय मानना उसकी अदृश्य व दिव्य शक्ति को कम आंक रहा है। यह एक गलत धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति मौन हो जाता है तो उसके पास कुछ कहने को या कुछ करने को नहीं बचता। किसी को शब्दहीन देखकर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वह हमारी बात का समर्थन कर रहा है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि वह व्यक्ति उस समस्या या उस परिस्थिति के दौरान अपने भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ है तथा सही व गलत में भेद करने में सक्षम है। ऐसे लोग उस समय अपनी बात रखते हैं जब उन्हें पता है कि वह तार्किक व प्रभावशाली ढंग से जब अपनी बात रखेंगे तो उस बात की आवाज काफी दूर तक गूंजेगी। ऐसे लोग मौन रहते हैं या जब कुछ बोलते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि उनके द्वारा की गई बात या उनके मौन से कोई भी व्यक्ति कभी आहत ना। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप अवश्य करा सकती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। विश्व भर में आज मौन विरोध का सशक्त रूप से प्रयोग किया जा रहा है। अब उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जब किसी ऐसे विवादित विषय पर चर्चा होती है जिससे किसी देश के हित को नुकसान पहुंचता है तो वह देश अक्सर आजकल उस चर्चा में मौन रहकर अपना विरोध जताता है। तो मैं अपने विपक्षी मित्रों का मौन को स्वीकृति का पर्याय मानना नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मौन विरोध आजकल विश्व भर में अपना विरोध जताने का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। अभी हाल ही में भारत यूक्रेन के ऊपर रूस द्वारा किए गए आक्रमण के विरुद्ध होने के बावजूद भी जब रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था और रूस के आक्रमण के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय भारत चुप था क्योंकि वो विश्व को गुटबाजी की वजह से एक और विश्व युद्ध की ओर ढकेलना नहीं चाहता है। आज देश में और विश्व में धर्मांधता, सांप्रदायिकता, हिंसा, नफरत व झूठ के लिए की स्वीकार्यता इसलिए नहीं मिल गई है क्योंकि हम मौन हैं, परंतु समाज में विवेकहीनता व्याप्त हो गई है। आज जब कोई यहां आता है और कहता है कि मौन स्वीकृति का पर्याय है तो वह हमारे वीर जवान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के अदम्य साहस और सूझबूझ का भी उपहास उड़ा रहा है। जब वे पाकिस्तानी फौज के कब्जे में थे तो उन्होंने उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना था, क्योंकि जब शत्रु ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर आ सकती थी तो उस समय उन्होंने चुप्पी साध दी थी। यही मौन अमेरिका में रह रहे अश्वेत नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने में भी काफी लाभदायक हुआ था। 28 जुलाई 1917 को
अमेरिका में रह रहे अश्वेत नागरिकों ने मौन विरोध से यह साबित कर दिया था कि हिंसक या उग्र विरोध महज कुछ दिन का शोर होता है, लेकिन मौन विरोध उस समस्या को मुख्य बिंदु बनाकर उसका समाधान निकालने के लिए हम सबको मजबूर करता है। आज मेरी बातों से यह साबित होता है कि मौन स्वीकृति का नहीं बल्कि सशक्तिकरण, शांति, सफलता, किसी दूसरे का सम्मान करना या विरोध प्रकट करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर मौन रहने की आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि अगर किसी का विवाह हो रहा है और वह मौन है तो इसका मतलब वह उस चीज को स्वीकार, वह विवाह को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि अगर वह उस विवाह से स्वीकृति नहीं है उसकी तो वह कुछ बोलता? प्रश्न के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम मैंने अपने वाद विवाद में विवाह का तो कहीं भी जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने जब प्रश्न पूछा तो मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। अगर विवाह एक ऐसी चीज है कि उसमें सबकी सहमति, उसमें तो मौन का मतलब मौन तो वहां आता ही नहीं है। विवाह जब विवाह किसी दो पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से ही तो विवाह होता है, तो इसमें मौन की बात ही कहां आई। पर हां, अगर किसी का जबरदस्ती विवाह हो रहा है और वह उस समय मौन है, तो अगर आप देखें और जब वो व्यक्ति अपनी, अगर उसके माँ बाप अपनी अंतरात्मा में झांकते हैं तो वह भी जानते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री उस विवाह से पूर्णता उसको स्वीकार वो नहीं कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो वह यह बात जो आपने कही यह मेरे ही पक्ष को और मजबूत कर रहा है कि मौन स्वीकार्यता का पर्याय नहीं है। धन्यवाद। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मौन एक प्रकार से स्वीकृति का मतलब ही नहीं है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। अभी जो आपने प्रश्न पूछा, पिछले 5 मिनट से मैं वही बोल रहा था और मैंने वही समझाने का प्रयास किया कि मौन स्वीकृति का पर्याय कैसे नहीं, परंतु मैं कुछ मुख्य बिंदु दोबारा दोहरा देता हूं। देखिए, जब तक व्यक्ति कुछ कह नहीं रहा है तब तक ये कैसे साबित हो जाता है कि वह उस बात को लेकर अपनी सहमति जता रहा है या नहीं। और मौन को अगर आप स्वीकृति का पर्याय मानते, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उच्च न्यायालय ने भी यह कहा है, एक केस था रामजी दयावाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इन्वेस्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का, जहां पे एक पक्ष के मौन को यह समझ लिया गया था कि वह उस जो उनके बीच जो सहमति हुई थी वो यह मान लिया गया था कि दूसरे पक्ष का मौन उनकी सहमति है। तो उच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि किसी का मौन किसी की सहमति या उसकी स्वीकार्यता नहीं माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब एलन सदन से सरताज भी रहेगा विषय के पक्ष में। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। एक चुप हजार सो, मौन स्वीकृति का पर्याय है। मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। संस्कृत में भी कहा गया है, मौन स्वीकृति लक्षण। जब भी हम मौन रहते हैं इसका अर्थ यही माना जाता है कि हम उस बात से सहमत हैं। उदाहरण, जब एक लड़की के समक्ष उसके विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है तो वह चुपचाप बिना कुछ बोले चली जाती है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि उसने उस बात के लिए स्वीकृति यानी हाँ कह दी है। मैं आपके समक्ष महाभारत का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें द्रौपदी चीरहरण के दौरान पूरी सभा मौन थी। मैं आपके समक्ष ये उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी मौन अस्वीकृति होने पर भी स्वीकृति का कारण बन जाता है।
जो जीवन में कभी कभी युद्ध का रूप धारण कर लेता है। मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि मौन स्वीकृति का पर्याय नहीं है, कभी कभी हमें चुप रहना पड़ता है। मैं उन्हें यही बता दूं कि हमारी यह प्रवृत्ति स्वीकृति के साथ घातक भी है। मैं इस मौन प्रवृत्ति के लिए यही कहना चाहूंगा, चुप ना रहे कभी इतना भी कि हर बात के लिए चुप किए जाने लगो। अगर हम हर बात पर मौन रहते हैं तो हमारे मित्र भी हमेशा यही सोचते हैं कि हम कभी भी उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते। हमारे इस स्वभाव के कारण वे हमें दबो या बोधो जैसी उपाधियों से नवाजने लगते हैं और फिर हम मानसिक तनाव के शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमें कबीर जी की इस बात से सहमत रहना चाहिए, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। हमें संतुलित होकर ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यदि हम हर बात पर मौन रहे तो वह स्वीकृति ही कहलाएगी। मान्यवर, कई बार मौन स्वीकृति हमारे विचारों को इतना नकारात्मक बना देती है कि व्यक्ति विशेष फिर कुछ सकारात्मक विषयों को भी स्वीकार नहीं कर पाता। मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि हमें परिस्थितियों के अनुसार मौन रहना चाहिए, परंतु यदि हम किसी गलत बात को भी विरोध उस समय के बाद में भी नहीं करते हैं तो हमने सही होकर भी उस बात को स्वीकार किया है। मौन रहकर ऐसा करने पर हम बुद्धिमान नहीं बल्कि कायर कहलाएंगे। इसलिए बार बार परिस्थितियों का बहाना बनाकर मौन रहना भी इसी बात की ओर संकेत करता है, वास्तव में मौन स्वीकृति का पर्याय है। मैं आपको यहां पर कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहना चाहूंगा, यदि आपको वहां पर सच्चाई बताने के लिए कहा जाए और आप सब जानते हुए भी मौन हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है, तो आप वहां पर सही होते हुए भी गलत साबित होंगे, क्योंकि आपने मौन रहकर कुछ गलत बात को भी स्वीकार किया है। क्योंकि कभी कभी मौन घृणा के समान कोई तीखा उत्तर नहीं होता। धन्यवाद। क्या आपको यह नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति मौन रहता है तो वह विशेष रूप से अच्छे श्रोता कहलाया जाता है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने वाद विवाद के उदाहरण से ही देना चाहूंगा। जैसा कि कोर्ट में मान लीजिए आपसे सच्चाई बताने के लिए कहा जाता है और आप मौन रहते हैं तो आप गलत ही साबित होंगे और सही नहीं, तो अंत में मौन स्वीकृति का ही पर्याय है। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है और अगर हम उसका विरोध नहीं करते हैं तो हम कायर कहलाए जाएंगे, परंतु आपको यह नहीं लगता कि अगर हम जो गलत घटना हुई है उससे संबंधित गवाही देते हैं किसी के सामने, तो उससे हम मतलब क्या इंसाफ दिलाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं? प्रश्न के लिए धन्यवाद। तो अगर हमारे सामने कोई कुछ गलत काम कर रहा है और हम उसे चुपचाप देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं का साथ दे रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम सबको जाके तो बोल नहीं सकते कि आप गलत काम कर रहे हैं, और तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सरताज। अब आयन सदन से कनिका बंसल विषय के विपक्ष में। जितना हो सके मौन रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायक गण, श्रोतागण और मेरे विपक्षी मित्रों, आज का विषय है मौन स्वीकृति का पर्याय है, और मैं इस विषय का विरोध करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है मौन स्वीकृति लक्षणम, अर्थात
मौन स्वीकार्यता का लक्षण है, जबकि ऐसा भी होता है कि लोग अस्वीकृति में भी मौन धारण करते हैं। मान्यवर, कभी कभी मौन हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है, मौन आदि समस्याओं का समाधान है। यहाँ तक कि कभी कभी मौन व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है, जैसे व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति स्वयं को जान पाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते, गाली गलौज या तू ताड़ा की भाषा पर उतर आते हैं। उनके उस व्यवहार पर मौन रहना उचित है। उस परिस्थिति में हम यह नहीं कहेंगे कि मौन स्वीकृति का पर्याय है। उस वक्त अगर हम मौन है तो उसका कारण है कि हम उस परिस्थिति को समझ रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे। अगर हम वहां पर मौन नहीं रहे तो बात बढ़ सकती है, विवाद हो सकता है। कभी कभी अनावश्यक विवादों से बचने के लिए हमें मौन रहना पड़ता है। उस स्थिति को हम स्वीकृति नहीं कहेंगे, वह स्वीकृति नहीं, समझदारी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो जितना ज्यादा मौन रहे उतना ज्यादा झमेला और झगड़ा कम होता है। कुछ लोगों की आदत होती है जो चुप चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। तो क्या मेरे विपक्षी मित्र उन लोगों का चुप रहना या कम बोलने की आदत को मौन स्वीकृति कहेंगे, जबकि वह उनकी स्वीकृति नहीं, उनका स्वभाव है। इसीलिए हर बात पर यह कह देना कि मौन स्वीकृति का पर्याय है, यह बात उचित नहीं। और अगर हम हर बात का जवाब देने बैठ जाए तो कभी जनाब हम लाजवाब नहीं बन पाएंगे। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगी। अगर किसी ने किसी के साथ भावनात्मक रूप से आहत की है और अगर वह मौन है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके बात स्वीकार कर रहा है। वह उस समय चोट से परेशान है, इसीलिए वह मौन है। मैं आपके समक्ष भगवान बुद्ध की मूर्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि ज्यादातर बुद्ध की मूर्तियां आंखें मूंदे मौन भाव को दर्शाते हैं, क्योंकि वह ध्यान कर रहे होते हैं। कभी कभी मनुष्य मौन सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नहीं धारण करते, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमें मौन लेना पड़ता है। अगर हम किसी तथ्य की खोज कर रहे हैं तो उस तथ्य की जानकारी के लिए हमें मौन रहकर गंभीरता से वह कार्य करना पड़ता है। तो वह हमारी उस कार्य के प्रति एक प्रेरणा है, उस कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने का मौन माध्यम है। या फिर अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोल रहा है तो हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से आप ही बुरे बनते हैं। जो चीज़ आसानी से खत्म हो सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। यह कहना कि मौन स्वीकृति का पर्याय है, यह कदापि उचित नहीं। यदि कोई मौन है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे सहमत है। कई बार हम ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जहां हाँ भी कहना और ना भी कहना दोनों मुश्किल हो जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि मूर्ख की पहचान उसकी वाणी से होती है, मूर्ख की पहचान उसकी वाणी से होती है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से, और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से। धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में भगवान बुद्ध की मूर्ति के मौन धारण करने का उदाहरण दिया, तो सबसे पहली बात तो इस दुनिया में आज तक जितनी भी मूर्तियां बनी हैं, कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है जो कभी कुछ बोल सकी है। और जो भगवान बुद्ध की वो मूर्ति है उसमें अधिकतर में वो ध्यान की अवस्था में है, और आपको नहीं लगता कि वो ध्यान की अवस्था और वो मौन एक अच्छा संदेश दे रहा है कि हमें जब हम गलत हों तो अपनी गलती को मौन रहकर स्वीकार करना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? आपने अपने वाद विवाद में भगवान बुद्ध की मूर्ति का उदाहरण दिया, उनकी आपने यह कहा कि उनकी मूर्ति में वो मौन धारण करे हुए हैं,
तो सर्वप्रथम तो इस दुनिया में आज तक जितनी भी मूर्तियां बनी हैं उसमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है जो कुछ बोलती हो या मौन ना धारण करे हो। तो असल में वो ध्यान की अवस्था में भगवान बुद्ध को उसमें दिखाया गया, ध्यान अर्थात मेडिटेशन उन्हें करते हुए दिखाया गया है। और अगर वो जो संदेश उससे दे रहे हैं कि अगर हमारी कोई गलती है तो उस समय हमें मौन रहकर उसे मान लेना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। वह अगर मौन अपने आंखें मूंदे हैं क्योंकि वह मौन भाव कर रहे हैं, वह ध्यान दे रहे हैं, उसका मतलब यह नहीं है, वह यह नहीं बोल रहे कि हर अगर आप मौन है तो इसका मतलब स्वीकार ही कर रहे हैं। अगर आप अगर गलती हो रही है तो आपको मौन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता वह दूसरे के लिए ही गलत हो जाए। धन्यवाद। मेरा सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो अपने प्रश्न संक्षिप्त रखें। कॉर्मिनाउस, आपने अपने वाद विवाद में कहा है कि कभी कभी कोई व्यक्ति परेशानी में होने की वजह से मौन रहते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर वह अपनी आवाज़ उस समय उठाएंगे तो उन्हें अगले बारी से वैसी परेशानियां नहीं होंगी? प्रश्न के धन्यवाद। वह कई बार इसीलिए मौन रहे, अगर वह बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है, क्या पता वह कुछ उल्टा सीधा बोल दे, इसीलिए। और ज़रूरी है कि अगर वह मौन है तो मतलब कि वह स्वीकार ही कर रहा है, वह इसीलिए मौन है कि उसको समझ आ रहा है कि अगर वह बोलेगा तो बात बढ़ सकती है, इसीलिए वह अपनी समझदारी दिखा के मौन है, यह नहीं कि वह स्वीकार कर रहा है उस चीज़ को। धन्यवाद। अब मैं सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करती हूँ कि वह आज के विषय के पक्ष